एक राजा ने थी ली अपने ही पुत्र की जवानी। जानिए पौराणिक कथा। राजा ययाति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी की कोख से उनके यदु और वर्षु नामक के दो पुत्र हुए और शर्मिष्ठा की कोख से दुहयु और अनु और गुरु नामक तीन पुत्र हुए। एक बार राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ वन में टहल रही थी। उसके साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी थी। वह दोनों टहलते हुए जलाशय पर पहुंची और स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों साथ साथ घर से जा रहे थे, तो दोनों कन्याओं ने शीघ्रता से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। लेकिन गलती से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, तो देवयानी ने क्रोधित हो गई कि तुम मेरे वस्त्र कैसे पहन सकती हो? मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तुमने मेरे वस्त्र पहन बहुत ही अनुचित कार्य किया है। तुम्हारे पिता मेरे पिता के शिष्य हैं। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा का अपमान किया तो शर्मिष्ठा क्रोधित होकर बोली कि तुम व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रही हो। तुम तो हमारे दिए हुए टुकड़ों पर तुम और तुम्हारा शरीर पलता है। शर्मिष्ठा ने क्रोध में देवयानी को कुएं में ढकेल दिया और स्वयं उससे अपने वस्त्र छीन कर घर चली गई। उसी समय राजा ययाति शिकार खेलते हुए वन में आए। प्यास लगने पर वह उसी कुएं के पास पहुंचे जिसमें देवयानी गिरी थी। राजा ने देवयानी को देखकर उसे अपना दुपट्टा ओढ़ने को दिया और हाथ पकड़कर बाहर निकाला। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी कहने लगी कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। देवयानी राजा ययाति से बोली कि आप मन में यह विचार ना करें कि आप एक क्षत्रिय हैं और मैं एक ब्राह्मण पुत्री हूँ। यह सब ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है। मुझे देव गुरु बृहस्पति के शिष्य कच्छ ने श्राप दिया था कि मेरा विवाह ब्राह्मण के साथ ना हो। कच्छ मेरे पिता शुक्राचार्य जी से नृत संजीवनी विद्या सीखा था। मैंने उसे आकर्षित होकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। कच्छ कहने लगा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो और मेरे लिए पूजनीय हो, इसीलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुम्हारी सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी। यह सुनकर कच्छ ने भी मुझे श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। राजा ययाति देवयानी से कहने लगे कि अगर तुम्हारे पिता शुक्राचार्य अपनी अनुमति से मुझे तुम्हारा पति मानेंगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। इतना सुनकर देवयानी अपने पिता के पास गई और उसे शर्मिष्ठा का सारा वृत्तांत सुनाया। गुरु शुक्राचार्य क्रोधित होकर राजा वृषपर्वा के पास पहुंचे और उनकी पुत्री शर्मिष्ठा की सारी बात बताई और राजा से कहा कि तुम देवयानी की बात मानो। देवयानी ने कहा कि जब मैं ससुराल जाऊं तो उनकी कन्या शर्मिष्ठा मेरी दासी बने। शर्मिष्ठा ने अपने पिता को गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से बचने के लिए देवयानी की सारी बात मान ली। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति से करवा दिया और कहा कि तुम शर्मिष्ठा की सेज पर कभी ना सोना। देवयानी उस समय पश्चात पुत्रवती हुई तो शर्मिष्ठा को भी संतान की इच्छा हुई। उसने राजा ययाति से गुप्त रूप से विवाह कर लिया और शुक्राचार्य के वचन के विरुद्ध जाकर ययाति से शर्मिष्ठा की इच्छा की पूर्ति की। देवयानी के यदु और दुवर्षु नाम के दो पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के द्रुयु अनु और गुरु नामक तीन पुत्र हुए। जब देवयानी को राजा ययाति और शर्मिष्ठा के विवाह और पुत्रों की बात पता चली तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को सारी बात बता दी।
क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दिया कि तुम्हें बुढ़ापे बुढ़ापा घेर लेगा। गुरु का श्राप सुनकर राजा ययाति ने याचना की तो शुक्राचार्य कहने लगे कि अगर तेरा कोई पुत्र तेरा बुढ़ापा ले तो तुम जवान हो सकते हो। राजा ने अपने बड़े पुत्रों से अपनी जरा अवस्था बुढ़ापा लेने की बात कही तो सबने इनकार कर दिया, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को कहा तो सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसका मानना था कि जिस पिता के कारण मनुष्य तीनों लोकों में पुरुषार्थ पाता है उसके मन अनुसार कार्य करना श्रेष्ठ है। गुरु ने राजा ययाति की वृद्धावस्था ले ली। राजा ययाति ने पुत्र से युवावस्था लेकर सुख भोगे। देवयानी ने भी अपने पति को प्रसन्न करने हेतु हर प्रयास किए। एक दिन राजा ययाति को आत्मज्ञान हुआ और देवयानी से कहने लगे कि मैंने विषयों के भोग में आकर अपने पुत्र को वृद्ध बना दिया और स्वयं युवावस्था का आनंद भोग रहा हूँ। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही भोगों को जितना भोग दिया जाए उतनी तृष्णा बढ़ जाती है। विषय दुख के रूप में है। राजा ययाति ने विषयों से विरक्त होकर उसने अपने पुत्र गुरु की युवावस्था वापस कर दी। गुरु की पितृ भक्ति के लिए उसे राजा बना दिया। राजा ययाति स्वयं वन चले गए और वहां पर तप कर मोक्ष को प्राप्त हुए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।